नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। इजराइल और हमास के बीच एक समझौता हुआ है जिसके मुताबिक इजराइल अपनी जेलों में बंद कुछ फलस्तीनी नागरिकों को रिहा करेगा। बदले में हमास इजराइल के कुछ बंदियों को छोड़ेगा। इस दौरान 5 दिन का युद्ध विराम किया जाएगा ताकि बंधक बनाए गए लोग गाजा से सही सलामत इजराइल पहुंच सके और गाजा के लोगों को राहत सामग्री मिल सके ताकि उन्हें थोड़ी राहत मिले। हमास ने इजराइल के सामने शर्त रखी है कि युद्ध विराम के समय पूरी तरह से जंग रुकनी चाहिए और गाजा में हर जगह राहत सामग्री और मानवीय सहायता पहुंचनी चाहिए। ये समझौता कतर की मध्यस्थता से कतर की राजधानी दोहा में हुआ है। इजराइल और हमास दोनों में से कौन किसके कितने नागरिक छोड़ेगा और ये समझौता कैसे हुआ, पूरी जानकारी मैं आपको विस्तार से इस वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको न्यूज अच्छी लगे तो न्यूज को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे मीडिया टुडे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। इजराइल और हमास के बीच इस समझौते की प्रक्रिया कतर की राजधानी दोहा में चल रही है। कतर के प्रधानमंत्री अब्दुल रहमान अल थानी ने मध्यस्थता की पेशकश की थी, जिसके बाद अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA की चीफ और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की चीफ कतर पहुंचे थे और कतर सरकार से बंदियों को छोड़ने के लिए बातचीत की थी। इस समझौते में हमास से इजरायली महिलाओं और बच्चों को रिहा करने की अपील की गई है। बदले में इजराइल भी अपनी जेलों में बंद कुछ फलस्तीनी महिलाओं और बच्चों को रिहा करेगा। इजराइल चाहता है कि उसकी सभी 100 महिलाओं और बच्चों को रिहा किया जाए, लेकिन हमास ने संकेत दिए हैं कि वो 70 महिलाओं और बच्चों को ही रिहा करेगा। दूसरी तरफ इजराइल से रिहा होने वाले कैदियों की संख्या 120 बताई जा रही है। इजरायली अधिकारियों ने बताया कि बंधकों और कैदियों की अदला बदली के साथ साथ 5 दिन का सीज फायर भी किया जाएगा। ये युद्ध विराम इजरायली बंदियों को सही सलामत गाजा से निकलने में मदद करेगा। इसके साथ ही गाजा में फलस्तीनी नागरिकों को अंतरराष्ट्रीय सहायता की अनुमति भी दी जाएगी। इस समझौते को अंजाम तक पहुंचाने के लिए CIA के चीफ और मोसाद के चीफ कतर के अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इजराइल के अधिकारियों ने कतर की मदद की सराहना करते हुए कहा कि कतर मध्यस्थता की बजाय उनके नागरिकों को छुड़ाने के लिए हमास पर दबाव डाले। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी कतर के अमीर अल थानी से फोन पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने हमास और इजराइल के बीच मध्यस्थता करने की कोशिश के लिए उनकी तारीफ की। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा है कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए हैं कि बंधकों को बिना किसी देरी के रिहा किया जाना चाहिए। उधर इजराइल चाहता है कि उसके बंदी बनाए गए लोग उनके नाम और पहचान के साथ रिहा किए जाएं, क्योंकि वो इसके बदले में फलस्तीनी कैदियों की अदला बदली भी कर रहा है। वेरिफिकेशन की ये प्रक्रिया उन बातों में से एक है जिन पर हमास और इजराइल के बीच बातचीत चल रही है। बहरहाल अभी समझौते पर फाइनल मोहर नहीं लगी है, इसलिए कुछ अदला बदली भी हो सकती है। आपकी इस न्यूज पर क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मैं आपको अगली खबर के साथ मिलूंगी। शुक्रिया।